हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा परेशान है, वो है जेई मेन 2023 के सारे एस्पिरेंट। देखो दोस्तों, हो क्या रहा है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, भैया हमारा एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होने वाला है या हमारा ये एग्जाम जाके अप्रैल के अंदर कंडक्ट होगा। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारी न्यूज एजेंसी इस टाइम पर रूमर्स फैला रही है कि आपका जेई मेन जनवरी में कंडक्ट होगा। अगर आप पिछले सालों की कैलकुलेशन पर ध्यान दो कि अगर एनटीए आपका जनवरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराना चाहता है तो दोस्त उसको एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में ही रिलीज करने पड़ेंगे, और अभी जल्दी से ही एक दो दिन में ही सारा खेल खेलना पड़ेगा जिससे वो ये शो कर सके कि आपका एग्जाम जनवरी में होने वाला है। अदरवाइज आप अगर पूछो ऑनेस्टली, आज के हिसाब से मुझे लग ही नहीं रहा यार कि आपका ये वाला एग्जाम जो है कि जनवरी के अंदर कंडक्ट हो भी पाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये आपका एग्जाम जाके अप्रैल में कंडक्ट होगा। पहली चीज तो मुझे आपको ये बतानी थी कि जो बच्चे जितने भी परेशान हैं कि जनवरी में होगा या अप्रैल में, आज की कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है अप्रैल में होगा, जनवरी में होने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं ये करने आया हूँ दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों की मैंने प्रॉब्लम्स देखी पिछले अपने 2 साल के ऑनलाइन करियर में। मैंने 1000+ बच्चों को मेंटर किया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन निकलवाया है। इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप लोग मुझे अभी तक नहीं जानते हो तो आप जाके मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। एक चीज यार मैंने मिस देखी कि बच्चे बड़ी बड़ी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर इंडिविजुअल टीचर के साथ में उनका टच टूट जाता है, क्योंकि उन टीचर्स के लिए भी बेटा पॉसिबल नहीं होता, लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो इंडिविजुअल गाइड करने का। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। अगर आप जेई मेन 2023 के एक सीरियस एस्पिरेंट है तभी ज्वाइन करना, मैं और मेरी टीम दोस्तों आपको कंप्लीट गाइड करेगी। अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। अगर आपका जेई मेन जनवरी में कंडक्ट होने वाला तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आपका अप्रैल में होने वाला तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका ड्रॉप ना लगे, एक साल में ही आपका सिलेक्शन निकले। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ, तो अगर आप जेई मेन के बाद अगर सेकंड ऑप्शन पर मेरी यूनिवर्सिटी रखना चाहो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। पिछले 2 साल से हम लोग पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन में, तो जो चीजें यार हमने देखी ना उन्हीं चीजों को लेके आ रहा हूं मैं इस बार जेई मेन के बच्चों के लिए। कंप्लीट हेल्प करूंगा इस चैनल के माध्यम से, कंटेंट वाइज प्रीमियम हेल्प करूंगा दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बनाता हूँ, ज्यादातर मेरा फोकस रहता है कंटेंट पर ही। कोशिश मेरी यही रहती है कि यार मेन प्रायोरिटी क्या है, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका पर्पज यही है ना कि यार उनको सिलेक्शन निकालना, तो हम उसी हिसाब से काम करते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन पहले नंबर पे रखते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, जुड़िए, आपकी जो भी समस्या है सबका समाधान किया जाएगा दोस्तों। आप लोगों को कंप्लीटली मेंटर किया जाएगा कि आप लोगों को पढ़ना कैसे, मेंटरशिप मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। आप कहीं पर भी ज्वाइन हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहां से करें, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि स्टार्ट आपको यहां से करना चाहिए। ज्यादा टाइम इस बात में वेस्ट ना करें बेटा कि जेई मेन का एग्जाम कब कंडक्ट होगा, जनवरी में होगा या अप्रैल में। आज की कैलकुलेशन के हिसाब से जनवरी में बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर अगले 10-5 दिन में आपको लग रहा है कि जनवरी के अंदर कंडक्ट होने वाला है तो फिर उस हिसाब से काम करिए। बाकी मैं इसी चैनल पर आप लोगों को कंप्लीटली मेंटर करता रहूंगा, डे टू डे लाइफ के सारे अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बोलना कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन में अगर मेंटरशिप चाहिए ना, तो ये ललित भैया इनऑर्गेनिक लवर्स वाले इस टाइम ऑनलाइन आ चुके हैं, कंप्लीटली गाइड करूंगा दोस्तों। आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा कि आपका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं निकल रहा है, फिर उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके रखना अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।